केंद्र सरकार वालों पास किए UAPA के कानून तहत पंजाब दे विच बहुत सारी गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। पंजाब तो बिना गैर कांग्रेसी सरकारां जो कि बाकी सूबियां दी सरकारां हन उन्हां वल्लों इस कानून दा विरोध कीता जा रहा है। पर हैरानी दी गल इह है कि पंजाब सरकार वल्लों इस कानून दे तहत दर्जना सिख नौजवानां नूं गिरफ्तार कीता गया है। इन्हां गिरफ्तारियां दे विच एक 80 सालां बजुर्ग नूं भी गिरफ्तार कीता गया है। इन्हां उत्ते दोष लगाए जा रहे हन कि इह खालिस्तान दे नाल संबंधित हन। उत्ते ही जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों UAPA दे इस कानून तहत हो रहीआं गिरफ्तारियां नूं मंदभागा दस्सिआ गया है। आओ तुहानूं दिखाउंदे हां कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों इस बारे की कहा गया है। कहना चाहुंदा कि एक कानून जिहड़ा केंद्र सरकार ने पास कीता है UAPA ते कांग्रेस सरकारां जिहड़ियां ने पंजाब तो बिना बाकी सूबियां दे विच इस कानून का विरोध कर रही ने। और बड़ी हैरानी वाली गल है कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है वो हिंदुस्तान के अंदर जिथे गैर कांग्रेसी सरकारां ने उत्थे इस कानून का विरोध कर रही ने ते अपनियां जिहड़ियां जिथे स्टेटां दे विच सरकारां उत्थे लागू करन तो जिहड़ा है वह इनकार कर रही ने। पर इहदे उल्ट पंजाब दे विच इस कानून के तहत जिहड़े आ दर्जन तो वध जिहड़े आ लड़के सड़े सिख नौजवान जिहड़े आ वह गिरफ़्तार किए गए हैं। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।